वैसे तो आपने भी कई बार आसमान में तारा टूटता हुआ देखा होगा। अपनी दादी नानी से भी किस्से कहानियों में इस बात का जिक्र सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने टूटते हुए तारों की बारिश देखी है? नहीं तो ऐसा होने वाला है इसी महीने। क्या हो जब एक साथ सैकड़ों सितारे टूटकर गिरने लगे? वैसे कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा ही हैरान कर देने वाला दावा किया है। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरिज के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने ये दावा किया है कि दिसंबर की 13 और 14 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर तारों की बारिश हो सकती है और हर घंटे करीब 100 से 150 तारे टूटकर गिर सकते हैं। दरअसल एरिज के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के मुताबिक इस खगोलीय घटना का नाम ज़ेमिनिड उल्कापात है और ये प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो चुकी है जो 24 दिसंबर तक जारी रहने वाली है, लेकिन इसका तारों से कोई वास्ता नहीं। वैसे तो इस खगोलीय घटना को टूटते तारों के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन हकीकत में तारों से इस घटना का कोई सीधा संबंध नहीं होता। दरअसल आसमान में गुजरते उल्काओं का जलता हुआ ये एक मलबा है, बस जब इन्हें आप पृथ्वी से देखते हैं तो तारे टूटने जैसा दिखाई देता है। तारे टूटने की घटना कैसे होती है? तारे टूटने की घटना तब होती है जब धूमकेतु का मलबा पृथ्वी के मार्ग पर आ जाता है तो वो पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आकर जलने लगता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा होने से आसमान में आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिलता है। टूटते तारों का यह अद्भुत नजारा बस कुछ पल के लिए ही दिखाई देता है और अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो 13 से 14 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर जब तारों की बारिश होगी तो आप इसे देख सकते हैं।